नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बुधवार को शिवपाल यादव की सुरक्षा दस्ते में चल रही गाड़ी को रेलवे बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में शिवपाल यादव की सुरक्षा में चल रहे चार सुरक्षा कर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। जानकारी के मुताबिक सभी घायल सुरक्षा कर्मियों की हालत खतरे में है। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कटफोरी जा रहे थे। इस दौरान मीठापुर के पास रोडवेज बस ने उनके काफिले में चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक सब इंस्पेक्टर, दो कांस्टेबल और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद काफिले में चल रही दूसरी गाड़ी ने घायलों को तत्काल सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हादसे के बाद शिवपाल यादव भी बेटे आदित्य यादव के साथ सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल जवानों का हालचाल पूछा। बताया जा रहा है कि जिस बस में शिवपाल यादव के काफिले की गाड़ी को टक्कर मारी वो औरैया डिपो की थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बस काफी स्पीड में थी, जिससे चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसने शिवपाल यादव के काफिले में चल रही गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। जी हाँ, आगे बताते चले के हादसे के बाद दूसरी गाड़ी ने तत्काल सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया था और सभी लोगों की हालत अभी गंभीर ही बताया जा रही है। बता दें आपको कि बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। वही मामले में फिलहाल शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वही पुलिस मामले की हर पहलू पर ध्यान से रखकर जांच भी लगातार कर रही है। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव बाल बाल बचे हैं। अब शिवपाल सिंह यादव कैसे बचने पर उनका परिवार इस चीज की खुशी मना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो घायल हो चुके हैं, तो उनके परिवार वाले तो काफी ज्यादा परेशान है। अब इंतजार इस चीज का है कि शिवपाल सिंह यादव इस पर क्या बयान देते हुए नजर आते हैं। अपनी राय जरूर दीजिए और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।